यूपी में एनकाउंटर पर हो रही चर्चा, किसकी सरकार रही एनकाउंटर में नंबर वन, किसके राज में हुए सबसे ज्यादा एनकाउंटर, योगी, अखिलेश, मायावती, कौन है सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है, वहां हुई हिंसा और हिंसा में मारा गया 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा। जो भी इस वक्त गूगल पर बहराइच हिंसा, बहराइच एनकाउंटर के नाम से सर्च किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह है वहां हुई हिंसा और उसके बाद आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। बहराइच हिंसा के 4 दिन में यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया। आरोपियों के नाम मोहम्मद सरफराज और तालीम है। दावा किया जा रहा है कि इसमें सरफराज वही है जिसने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की थी। लेकिन जैसे ही बहराइच एनकाउंटर की खबर सामने आई, विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी सरकार हमेशा से फर्जी एनकाउंटर करती रही है। ऐसे में अब जब सबकी जुबान से अचानक से एनकाउंटर शब्द फूट ही पड़ा, तो ये भी जान ले कि आखिर जब उनकी सरकार थी तो क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नहीं हुए थे? क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? क्या उसको गोली चलाने की परमिशन नहीं थी? हालांकि जब इसके आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी सरकार में पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, बस किसी के आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं तो किसी के कम हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, मुलायम के, मायावती के, अखिलेश के या फिर सीएम योगी के। सबसे पहले आपको बता दें पुलिस एनकाउंटर करती कैसे है। दरअसल पुलिस 2 तरह से एनकाउंटर करती है, पहला हाफ और दूसरा फुल। हाफ एनकाउंटर में आरोपी पैर या हाथ में गोली लगने से घायल होता है, जबकि फुल एनकाउंटर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन आज हम बात फुल एनकाउंटर की कर रहे हैं। बीते 20 सालों में सभी सरकारों में फुल और हाफ दोनों तरह के एनकाउंटर हुए हैं। अगर बात फुल एनकाउंटर की करें तो मुलायम सिंह यादव सरकार में 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, जबकि मायावती की सरकार में 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 तक 261 अपराधी मारे गए। वहीं अखिलेश यादव की सरकार में 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 वाली सरकार में 40 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। वहीं योगी सरकार में 19 मार्च 2017 से अब तक 210 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। इन आंकड़ों में अगर सबसे ज्यादा एनकाउंटर की बात करें तो मुलायम सिंह की 4 साल की सरकार में 499 अपराधियों को पुलिस ने मारा था, जबकि योगी सरकार के 7.5 साल के मुकाबले उनके 4 साल के कार्यकाल में 2 गुने से ज्यादा एनकाउंटर किए गए। वहीं दूसरे नंबर पर मायावती की सरकार रही। 5 साल की सरकार में 261 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं सबसे कम अखिलेश की सरकार में 40 अपराधी मारे गए थे। वहीं देश भर में अपराधियों को ठिकाने लगाने में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ज्यादा एक्टिव नजर आती है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। बात अगर योगी सरकार के पिछले 5 साल 2017 से 2022 की करे तो यूपी देश का दूसरा ऐसा राज्य था जहाँ सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए थे। इनमें से 117 अपराधियों की एसटीएफ की गोली लगने के बाद मौत हो गई थी। आइए आपको उन कुख्यात अपराधियों के नाम भी बता दें जिनका एनकाउंटर एसटीएफ की गोली से हुआ। इनमें श्री प्रकाश शुक्ला, कल्याण सिंह सरकार में एनकाउंटर, ददुआ, मायावती सरकार में एनकाउंटर, ठोकिया, मायावती सरकार में एनकाउंटर, निर्भय गुर्जर, मुलायम सिंह यादव सरकार में एनकाउंटर, विकास दुबे, योगी सरकार में एनकाउंटर। जाहिर है योगी सरकार अब एनकाउंटर को लेकर चर्चित हो गई है। यही कारण है कि अपराधी अपराध करने से पहले कांपते हैं और मौत के डर से खुद ही सरेंडर कर देते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो योगी की पुलिस उन्हें चार कंधों पर लेकर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।